हाय गाइस, वेलकम टू एजे फूड सफारी। आज एजे किचन में हम बनाएंगे व्रत वाले आलू की सब्जी। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, मैंने इसे घर पे बनाया था तो सोचा आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था और इसके बाद इन्हें छील लिए। मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं हाथों से ही। चाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इस सब्जी को बनाने में, तो चाकू से हम आलू को नहीं काटेंगे बल्कि हाथों से ऐसे हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो आलू हमारे रेडी हैं। इसके बाद हम लेंगे एक कढ़ाई, आप चाहो तो इसे नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हो। इसमें ऐड करेंगे हम 2 चम्मच घी। व्रत में घी का इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप किसी और ऑयल को यूज करते हैं तो आप वहाँ पर भी ले सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे जीरा। जैसे ही जीरा हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, साथ ही साथ ऐड करेंगे हम हरी मिर्च जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया हुआ था। इसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई होने देंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, सेंधा नमक, अगर आप काली मिर्च नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दें। इसके बाद इन्हें हम अच्छे से मिक्स करके दोबारा से फिर से 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आलू फ्राई हो रही हैं उनका कलर चेंज हो रहा है, वो थोड़ी सी रेडिश में आ रही है। तो आलू जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो बीच बीच में इन्हें चलाते रहना है वरना ये नीचे से जलने की कंडीशन हो सकती है। तो आप लाइक बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से फ्राई करें। जैसे ही आलू हमारी फ्राई हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ती, इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आलू जो है हमारी वो बनके रेडी हो चुकी हैं और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप दही और नींबू के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। मेड फ्रेश, ईट हेल्दी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एजे फूड सफारी।